दोस्तों, पिछले जन्म में सुप्रखा क्या थी? क्या सुप्रखा पिछले जन्म में लक्ष्मण जी की पत्नी थी? पिछले जन्म में क्या सुप्रखा शेषनाग जी की पत्नी थी? रामायण काल में आखिर सुप्रखा कहाँ चली गई? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सुप्रखा के वह रहस्य जो अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह उस समय की बात है जब शेषनाग जी शेषा अवतार में थे और उनकी पत्नी का नाम था चंद्रतारा। चंद्रतारा शेषनाग जी की पत्नी थी। एक दिन शेषनाग जी भगवान विष्णु की तपस्या करने जा रहे थे। तपस्या करने के लिए वह पाताल लोक से कुछ दूरी पर चले गए, जहां पर चंद्रतारा नहीं पहुंच सकती थी। पति के जाने के बाद चंद्रतारा को पति की कमी महसूस होने लगती है। चंद्रतारा नागलोक में रहती थी, जहाँ पर नागों का ही बसेरा था। चंद्रतारा नागलोक की महारानी थी। चंद्रतारा को एक दिन समागम करने का मन होता है और फिर वह नागलोक में अपनी प्यास बुझाने के लिए निकल पड़ती है और फिर उसने एक नाग से अपना रिश्ता कायम कर लिया और अवैध संबंध बनाने लगी। और कुछ समय बीतने के बाद अश्वगदी राज्य के राजा महाराज पधारे। उनका नाम प्रताप भानु था, जो शेषनाग जी के बहुत प्यारे मित्र थे और वह पाताल लोक में किसी कार्य के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आज मैं अपने मित्र शेषनाग से मिलने आया हूँ और उनके महल में कुछ देर के लिए विश्राम करूंगा और उनसे मुलाकात करने के बाद ही यहां से जाऊंगा। दोस्तों, नागों में यह सारी विद्याएं उपलब्ध थीं जो मनुष्य का और कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकते थे। दोस्तों, अश्वगदी राज्य के महाराज प्रताप भानु जब उनके महल आए तो उन्होंने चंद्रतारा को अवैतिक कार्य करते हुए देख लिया और हंसते हुए बात करते हुए देखा। यह देखकर उनकी आंखों में खून के आंसू आ गए और मारे क्रोध के जैसे ही उन्होंने अपने धनुष को निकाला और तीर चलाया। सांभर नांग से कहा कि मैं तुम्हारा इसी वक्त वध कर दूंगा। सांभर नांग उसी वक्त अदृश्य हो गया। फिर भी महाराज प्रताप भानु का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अपने कोड़े से चंद्रतारा को 5-6 कोड़े मारे और कहा, तुम मेरे मित्र की पत्नी होकर मेरे मित्र की नाक कटवा रही हो। और ऐसा कहकर वह वापस अपने राज्य लौट आए। फिर दोस्तों, वह समय आ गया जब शेषनाग जी अपने घर नागलोक वापस लौटे। तब तक चंद्रतारा के गुप्तचरों ने बताया कि महाराज अपने महल लौट रहे हैं। चंद्रतारा बहुत चालाक थी। तब चंद्रतारा रोने का नाटक करने लगी। उसने कपड़े उतार दिए और केश बिखेर दिए और वह महल में आकर बिना कपड़ों के लेट गई। महाराज शेषनाग जी जब चंद्रतारा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपकी गति ऐसे कैसे हो गई जो आप इस तरह से अपने बालों को बिखेरे हुए और ऐसे नग्न अवस्था में लेटी हुई हो। फिर चंद्रतारा ने कहा कि आप मुझे वचन दो कि आप मेरे दुख का निवारण जरूर करोगे। तो शेषनाग जी ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे दुख का निवारण जरूर करूंगा। चंद्रतारा ने कहा, आपके सबसे प्रिय मित्र चंद्र भानु, जिन्होंने मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार किया और मुझे कोड़े मार कर गए हैं। फिर शेषनाग जी ने कहा, ठीक है, मैं अपने उस मित्र को इसी वक्त मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन यह बात याद रखना कि अगर आपकी बात झूठी निकली तो आपको भी मैं मृत्यु दंड दूंगा। इतना कहकर शेषनाग जी की इच्छा ना होते हुए भी वह वहां से निकले और वह जाकर प्रताप भानु के पास पहुंचे। प्रताप भानु ने जब शेषनाग को देखा तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मेरा मित्र मेरे घर स्वयं मुझसे मिलने आया है। शेषनाग जो बात के लिए आए थे वह बात उन्होंने पूछने लगे और कहा, महाराज प्रताप भानु, जब आप मेरे महल आए थे उस समय क्या हुआ था? प्रताप भानु ने पूरी सच्चाई बता दी, चंद्रतारा संभर नांग के साथ किस तरह से अवैध संबंध बना रही थी। शेषनाग जी को अपने मित्र की बात पर भरोसा था और कहा कि मेरा मित्र कभी झूठ नहीं हो सकता। और उस समय जब प्रताप भानु सांभर नांग का सिर काटने लगे थे तब वह गायब हो गया था। तो उसी समय प्रताप भानु ने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, चाहे इस जन्म में हो या किसी और जन्म में। शेषनाग जी अपने उस दोस्त को वहां छोड़कर वापस अपने महल लौट आए। तब चंद्रतारा ने पहले ही यह समझ लिया कि चंद्र भानु ने सारी बात शेषनाग जी को बता दी होगी, इसीलिए वह आते ही मुझे मृत्यु दंड देंगे। तो असहनीय प्राण दंड से अच्छा है कि मैं अपनी आत्महत्या खुद कर लूं।
यह कहकर चंद्र तारा ने एक पत्थर पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। दोस्तों, जब चंद्र तारा ने अपनी जान दे दी तो शेष नाग ने कहा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी और मेरी कितनी बदनामी हुई है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी नाक काटूंगा, वह इस जन्म में हो या फिर किसी और जन्म में। इसीलिए दोस्तों रामायण में यहाँ पर ऐसी लीलाएं हुई। वहीं आगे चलकर सांभर नाग जो सूर्पणखा का पति हुआ करता था, जिसका नाम था बिंदु जीवा, और चंद्र तारा आगे चलकर त्रेता युग में सूर्पणखा के रूप में आई, और वहीं शेषनाग जी लक्ष्मण जी के अवतार में धरती पर आए थे। वहीं प्रताप भानु और उनका छोटा भाई हरिमर्दन और उनके मंत्री या तीन भाई के रूप में जन्म लेते हैं, जो प्रताप भानु आगे चलकर ब्राह्मणों के श्राप के कारण रावण के रूप में जन्म लेते हैं, और उनका छोटा भाई हरिमर्दन यहाँ पर आकर कुंभकर्ण के रूप में आया, और उनके मंत्री यहाँ पर आकर विभीषण के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, फिर सूर्पणखा जब बिंदु जीवा से विवाह कर लेती है, इस बात को सुनकर रावण बहुत क्रोधित होता है, और फिर जैसे ही बिंदु जीवा का चेहरा रावण देखता है तो उसे पुराने काल की स्मृति हो आती है कि इसने मेरे दोस्त के साथ छल किया था। फिर उसी जगह पर बिंदु जीवा का सिर काट लेता है और उसे मृत्यु दंड देता है, जो कि कोई भी भाई अपनी बहन के पति का कभी सिर नहीं काटता, कभी भी उसे मृत्यु दंड नहीं देता। लेकिन रावण ने वही किया जो उसे पुनर्जन्म वाली बात याद थी। इधर श्री राम जी लक्ष्मण जी को इशारे में कहते हैं कि आपके जो पुनर्जन्म वचन थे उन्हें अब पूरा कर लीजिए। इसीलिए इधर लक्ष्मण जी भी सूर्पणखा के नाक कान काट लेते हैं, और फिर सूर्पणखा अरब देश में चली जाती है और मक्का मदीना में रहकर ही अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा थी बुरखा और मुंह पर कपड़ा बांधने यानी कि हिजाब पहनने की, और यह रिवाज सूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है, क्योंकि उसकी नाक कटी हुई थी इसीलिए वह अपने मुंह पर कपड़ा बांधती थी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद सूर्पणखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं, और इसीलिए इस्लाम में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि सूर्पणखा असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मानती थी। दोस्तों, तो यह थी सूर्पणखा के पुनर्जन्म की कहानी।